सोलर इन्वर्टर परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं आपको इस वीडियो में सोलर इन्वर्टर परचेस करने के कुछ फ़ायदे भी मैं आपको बताऊंगा और आपको कितने VA का सोलर इन्वर्टर आपको अपने घर के लिए लेना है इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सोलर इन्वर्टर जो है उन लोग को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ऑलरेडी सोलर पैनल से अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। अगर आप तीनों एक साथ खरीदना चाहते हो तो आपको ये वीडियो पहले देखना होगा। देखिए, सोलर इन्वर्टर जो है हमारे घर के लोड के हिसाब से हमें परचेस करने होते हैं, तब जाके सोलर इन्वर्टर का हम एक्चुअली में हम सही इस्तेमाल कर पाएंगे और उससे हम ज्यादा से ज्यादा हम बिजली बिल को सेव कर सकेंगे। देखिए, सोलर इन्वर्टर अगर हम परचेस करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा तो हमें एक ही चीज देखने को मिलता है कि हमारे घर की बिजली जो है बहुत ज्यादा बचा लेता है। अब बिजली कैसे बचा लेता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर से कहेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर जरूर करना है ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सोलर इन्वर्टर में सबसे पहले हम लगाते हैं तो हमें क्या क्या फायदा होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें कितने VA का सोलर UPS जो है परचेस करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज तो है कि हमारे सोलर इन्वर्टर में एक अलग अलग तरह के मोड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कि सोलर मोड देखने को मिलता है, सोलर प्लस ग्रिड मोड मिलता है देखने को, उसके बाद ग्रिड प्लस सोलर मोड भी देखने को मिलता है। अब ये मोड कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं, तब दोस्तों हम आगे और बताएंगे सोलर यूपीएस के बारे में। देखिए दोस्तों, सोलर मोड सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या है। सोलर मोड में दोस्तों, अगर सोलर पैनल से जितनी भी करंट आ रही है, सपोज कि हमारे सोलर पैनल की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 25 एम्पियर करंट बना सकती है, तो अगर दोस्तों हमारे सोलर पैनल से 25 एम्पियर भी करंट आ रही है तो पहले ये करंट जो है हमारे UPS में जाएगा और UPS के थ्रू हमारी बैटरी में चला जाएगा, ठीक है। और वही दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर मौसम खराब भी हो जाती है तो सोलर पैनल से अगर 10 एम्पियर भी करंट मिल रही है तो 10 एम्पियर से ही हमारी बैटरी चार्ज होगी। वही अगर हम बात करें नाइट के टाइम में हमारी सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती है लेकिन हमारा UPS जो है सोलर मोड पर सेट हुआ है, तो रात के टाइम में दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर भी वर्क नहीं करेगा और रात के टाइम में हमारा बैटरी भी चार्ज नहीं होगा। तो ये होता है सोलर मोड। अब बात कर लेते हैं सोलर प्लस ग्रिड मोड के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, अगर हमारा सोलर UPS जो है, अगर हमारे सोलर पैनल से ज़्यादा करंट मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सोलर पैनल से ही हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन दोस्तों, सोलर पैनल से अगर कम ही करंट मिल रही है तब भी दोस्तों वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, देखिए सोलर पैनल से अगर 10 एम्पियर करंट मिल रहा है तो वो क्या करेगा, 5 एम्पियर ही ग्रिड से लेगा और हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर सोलर पैनल 25 एम्पियर करंट बना रहा है तो पूरा का पूरा 25 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज करने लगेगा। मतलब ग्रिड से वो कोशिश करता है कि कम से कम ही हम इलेक्ट्रिसिटी लें ताकि हमारा जो बिजली बिल जो है वो सेव हो सके। तो ये होता है सोलर मोड और सोलर प्लस ग्रिड मोड, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखिए, इसका कहना क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर पैनल से लेना चाहते हैं और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी जो है हम ग्रिड से इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि ज्यादा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से लेंगे तो हमें बिजली बिल जो है कम से कम ही देखने को मिलेगा और हमें कम बिजली बिल पे करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, ये सोलर इन्वर्टर जो है बहुत ही खास बन जाता है। के अलावा और क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, सोलर इन्वर्टर अगर हम परचेस करते हैं तो हर एक सोलर इन्वर्टर में एक सोलर चार्ज कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है। सपोज दोस्तों, अगर हम ल्यूमिनस का सोलर इन्वर्टर परचेस करते हैं जिसका मॉडल नंबर है NXG 1150, तो इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हो 150 एम्पीयर की हम बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम दोस्तों हम इस पर 700 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। इसकी प्राइस जो है दोस्तों काफी ज्यादा कम है, 6154 रुपए। हालांकि दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुझे ठीक लगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस इसका फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि सभी सोलर इन्वर्टर में ये सारे फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर ये मॉडल हम परचेस करते हैं तो 700 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। एक सिंगल बैटरी जो कि 150 एम्पीयर की बैटरी है इसको हम चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 850 VA का है, 12 वोल्ट कैपेसिटी है इसकी और मैक्सिमम इस पर हम 850 वाट तक का सोलर पैनल इस पर हम आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी सेविंग के बारे में भी दिया गया है कि डेली हम 2.5 यूनिट तक इस इन्वर्टर का इस्तेमाल करके 2.5 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी का बचत हम कर सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट है, जहाँ पर दोस्तों वोल्टेज की ज्यादा समस्या है वहाँ पर भी ये इन्वर्टर जो है अच्छा परफॉर्म करता है। मिनिमम 90 वोल्ट चाहिए होता है अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक
एक LCD डिस्प्ले भी दिया गया होता है जिसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा हमारा इन्वर्टर जो है वो किस मोड पे है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कितने VA का इन्वर्टर जो है परचेज करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हालांकि स्पेसिफिकेशन अगर हम पढ़ते हैं तो इसी में साफ साफ लिखा गया है VA का अगर हम कौन सा मॉडल लेते हैं तो उसकी आउटपुट सप्लाई कितनी होगी। देखिए दोस्तों, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया कि 700 वाट लोड को ये आसानी से चला देगा। तो जो भी आप UPS परचेज कीजिएगा उसका पहले आप लोड जरूर चेक कीजिएगा कि उसके मैक्सिमम लोड की कैपेसिटी कितनी है, कितना वो लोड चला सकता है। इनकेस अगर हम बड़ा इन्वर्टर परचेज कर लेते हैं तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लॉस होगी और सोलर से भी जो भी करंट आ रही है उसमें भी लॉस देखने को मिलेगा और बिजली बिल भी हमारी ज़्यादा ही आएगी और हमारी बैटरी भी फास्ट चार्ज होगी। तो हमने आपको बता दिया क्लियर कि सोलर इन्वर्टर अगर हम परचेज करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट है और हमें कितने VA का हमें लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।